तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीवी के ब्रदर्स। मेरा नाम है विशु। तो दोस्तों, आज हम आपको क्रिसमस के लिए कुछ डेकोरेशन की चीजें बना के दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। बड़ा मजा आएगा। हाँ, और हमारी वीडियो को जर बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए होगा रेड, गोल्डन, सिल्वर ग्लिटर पेपर चाहिए होगा। और फ्रेंड्स, हमें इसी के साथ हमें चाहिए होगा वही गोल्डन, रेड, और हमको एक चाहिए होगा ग्रीन कलर का ग्लिटर पेपर, और एक सीजर, डबल साइडेड टेप, फेविक स्टिक और फेविकॉल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक हम साइड का काट लेंगे। यहाँ पर हमने तीन सिल्वर लिए हुए हैं गोल्ड से, और हमने डेकोरेशन के लिए ये लेता है गोल्डन। आप ध्यान से देखिए वीडियो को, ज्यादा स्किप मत करिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेन है। ये देखिए मैंने इसको बना दिया। अब हम इसमें गोल्डन कलर डाल देंगे। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, इसके पाव का स्टॉप उसको भी ऐसे लगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना भैया। हम इसको ग्लू से चिपकाएंगे। ये लो ग्लू, आपको कौन सी चाहिए, फेवी स्टिक की फेविकॉल, कौन सा अच्छा लगता है? मुझको तो अच्छा लगता है ये। ओहो, पर मुझे एक ही समझ पाई, अगर मैंने इसमें ऐसे करा तो इसका तो इसमें लग जाएगा। हाँ, तो आप ये यूज करो। हाँ, चलो ये यूज करता हूँ मैं। सही कर लिया। अब हम इसमें ग्लू लगाते हैं। लो ग्लू मैं पकड़ लेता हूँ। ये हाँ, एक एक मिनट ग्लू लगाते रहूंगा, आप लगाते रहिए। हाँ, तो ये लो, आप सब ले लो, आप मेरा काम ही। हेलो, लो अब एक एक उठाते रहो। हाँ, ये लो, यहाँ पे भी मेरे लग गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये आज मजा आ गया, इतना अच्छा बनाया मैंने। मैं सुखाने का लेता हूँ। अब भैया आप क्या बनाओगे? मैं बेल्स बनाऊंगा। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है क्रिसमस में तो। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इन पेपरों का बैल बनाऊंगा। तो एक लीटर पेपर को काट के रखना है, और हमको थोड़ी सी ऐसी स्ट्रिप्स चाहिए होंगी, हमको दो रेड चाहिए होंगे, दो गोल्डन, और मैंने यहाँ पे कुछ पैसे ऐसे ग्लिटर पेपर से काट के फ्लावर बना रखे हैं। आप भी बना सकते हैं, आप जैसे भी बनाना चाहे बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर ग्रीन ग्लिटर पेपर से लीव्स भी बना रखे हैं, और ये रेड ग्लिटर पेपर, और ये मेरे हमको ये दो चाहिए होंगे, एक एक गोल्डन उससे बड़ा और रेड उससे छोटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्लिटर पेपर चाहिए होगा सर्कल में, फिर हम उसको लेके ऐसे फोल्ड कर देंगे। भैया कैसे बनाओगे? देखो ना आप, हमारा जो बैल है वो बनने को तैयार होने वाला है। अब मैं फेविकॉल लूंगा, फेविकॉल से मैं पहले यहाँ पे बन लूंगा।
नहीं करना। बोला कि मैं नहीं निकलूंगा जब तक मुझे कुछ दोगे नहीं। दे दिया तो वो ग्लिटर पेपर दे दिया हमने। ये देखिए फ्रेंड, ये दोस्तों ऐसे ही बेल बनेगा। इसको बस ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्रिसमस टाइम में रात को चमकी चमकी, अगर थोड़ा सा भी लाइट पड़ता है तो बहुत चमकू चमकू होता है, बहुत अच्छा लगता है। असली में है ये देखिए। तो दोस्तों अब हमने बैग तो बना रखी है, उसके बाहर का हम उसके अंदर का बनाएंगे। सबसे पहले हमको ऐसे दो स्ट्रिप लेने, एक लेना है हमको गोल्डन, एक लेना है हमको रेड, और हमको लेना होगा थोड़ा फेविकॉल। फिर हमको फेविकॉल को लेके इसके लास्ट में लगाना होगा। देखिए थोड़ा सा निकल चुका है, ऐसे हमको थोड़ा सा ग्लू लेना है। उसके बाद जो हमारा रेड स्ट्रिप है उसको ठीक यहाँ पे रखना है, ऐसे इसको थोड़ा दबाएंगे। फिर देखिए अब हम इसको घुमा देंगे सर्कल में। फिर हमको बीच में थोड़ा सा और ग्लू डालेंगे कि बिकॉज निकल ना जाए। मैंने थोड़ा और ग्लू डाल दिया है। और अब हमारा जो एक बेल वो बन चुका है। अब हम इसमें लास्ट में, आपको लास्ट में थोड़ा ग्लू लगाना होगा चिपकाने के लिए। और अब हमारा बेल बन गया। अब इसको आप थोड़ा 2 मिनट के लिए सूखने के लिए आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बेल सूख चुका है। अब जो हमने ये बना रखी थी एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरा स्ट्रिप रोल किया था, अब हम इसको ऐसे अंदर को डाल देंगे। देखिए तो देखिए हमने, अरे क्यों फिसल रहे हैं। ये देखिए हमने ये डाल दिया है, टंग 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 घंटी। तो फ्रेंड्स अब हम फ्लावर्स बनाएंगे, उसके लिए पहले हमको जो हमने लीव्स काट के रखी हम उन्हें रखेंगे पहले, उसके बाद हम रखेंगे गोल्डन वाला। देखिए गोल्डन, उसके बाद हम रखेंगे रेड, और सेम हमको वैसी जो हमारे बर्ड्स है उन्हें पहले हम रखेंगे, हम पहले रखेंगे गोल्डन फिर रेड, फिर हम इसमें ग्लू लगा के इसे सुखा देंगे। फ्रेंड्स हमने बैग बना दिया, अब जो हमने फ्लावर बनाया था अब हम उसको इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए अच्छा नहीं लग रहा, लग रहा है। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है दीदी को। ठीक है, पर मैंने सोचा था इन फ्लावर्स को ऐसे लगाएंगे। एक बेल्ट बनाई, अब हमने दूसरी भी बनाई, उसको जोड़ दिया, आप बड़े बड़े अलग अलग शेप्स के बना सकते हैं। देखिए मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए अच्छे लग रहे हैं। आप इसको ऐसे रखिएगा, ऐसे लेके फिर आप इसको दूसरी साइड से ऐसे कर दीजिएगा। तो देखिए आप इसे ऐसे टांगने का भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये बेल कैसे लग रहे हैं? कितने अच्छे लग रहे हैं एकदम। अच्छे से बेल्स कितने सुंदर लग रहे हैं, आप भी इसे अपने आप इन्हें क्रिसमस में जरूर बनाइएगा। और इसे आप जरूर आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। आप भी प्लीज हमें शेयर करिएगा आपने बनाया और आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अब मैं आपको स्नोफ्लेक बना दिखाऊंगा। और ये देखिए पहले आपको एक स्क्वायर शेप में एक केक को काट लेना है, फिर उसको आप उसे ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा ट्राइंगल शेप में। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है मुझे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको ये थोड़ा थोड़ा काटना है और बीच में थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ऐसे आपको काटते जाना है, आपको एकदम अच्छी तरीके से काटना है। इसको आप हमेशा देख लीजिए, नाप लीजिए, कहीं अगर थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता तो ये खराब हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड, मैंने ये कार्ड दिया है, आप इसको खोलेंगे और ये देखिए पेपर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब आपको ये क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है उसको आप अंदर को कर दीजिए, फिर जो इसको पीछे मोड़ के जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है उसको आप ऐसे कर दीजिए। इसको आप स्टेप बाय स्टेप फेविकॉल से चिपकाते रहिए। ऐसे मैं चिपका रहा हूँ, फर्स्ट आपको लेना है और ग्लू से ऐसे चिपका देना है। ये देखिए मैंने चिपका दिया है, लेकिन थोड़ा चिपकने में टाइम ले रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ। दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे मिला देना है। ये फर्स्ट आप ग्लू लेंगे, आपने ग्लू ले लिया, उसके सेकंड स्टेप है आपको आपको उसी ही तरीके से आपको इसे फोल्ड कर देना है। ये लीजिए, हमने इसे दूसरी साइड से वैसे ही फोल्ड कर दिया है। अब आपको ये हर जगह से आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते रहना है, एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार। तो ऐसे हम पूरा करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें या घंटा बजाना ना भूलना। हाँ, मेल है। तो दोस्तों अब देखिए हमारा वो बन चुका है। अब ये लास्ट है, लास्ट वाले का नीचे। और अब ये बन चुका है, देखिए। ये थोड़ा सा सूखने में फ्रेंड टाइम लेगा, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। ऐसे कामों में आपको बहुत कंसंट्रेशन होता है। मैंने एक ही वीडियो में कहा भी था। और आप अब ये देखिए, अरे ये एक पेड़ जैसा नहीं हो गया? हाँ। दोस्तों आपको एक स्नोफ्लेक के लिए आपको ये पूरे 6 चाहिए होंगे। और देखिए अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे प्लीज देखिए। तो सबसे पहले हमको ये लेना है और इसको एक हम ऐसे लगाएंगे, देखिए ऐसे एक लग गया। उसके बाद फिर हम ये ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे लगेगा, फिर जो दूसरा होगा वो ऐसे लगेगा। ये तो बहुत ही छोटा है। ये सारे एक स्टार के फॉर्म में लगेंगे। तो आइए देखिए मैं किसे बनेगा। अरे आप सिक्स्थ वाला तो मैं भी दूंगा, मैं तभी दूंगा। बोलोगी प्लीज लाइक करो हमारे चैनल को। दोस्तों प्लीज छोटू भाई के लिए प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे छोटू से भैया है, हमारे प्यारे से भैया है। कुछ चलो तो दे, तो मैंने कह दिया। ये देखो ये ऐसा ऐसा लगेगा, एकदम स्टार जैसा स्टार। ये लो मैंने आपको ये दिया, पर छोटा गया था, मैंने आपको ये बड़ा दिया। तो अब हम इसको ऐसे हम कहीं तो भी से लटका सकते हैं, ऐसे। इतना अच्छा लग रहा है देखिए। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे ले लो ढक्कन। ढक्कन आइडिया है। लो नहीं निकलना, मेरे पास आइडिया है, ऐसे करके हम। हाँ कर लो। ये देखिए, ऐसे आपको सर्कल सर्कल बनाना है। ऐसा बनाएंगे अभी मैं अब सुखाने डाल देता हूँ। अभी मैं इसे धोने चलता हूँ। आप हाथ धो के आओ, हम तो करते हैं। इसमें बिंदी लगाते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ इसमें सब जगह बिंदी लगाते हैं रेड वाली, ये देखिए। तो दोस्तों आप हम इनमें थोड़ी सी लाइंस बनाएंगे। हाँ। आप कुछ ऐसी भी लाइन बना सकते हैं और आप कुछ ऐसे भी बना सकते हैं।
लड़के हैं। भैया तो सब लड़के ही बना रहे थी। बना रहा हूँ। या फिर लंबे सीन बनाऊँ ना? हाँ बना रहा हूँ। ये देखो। ये तो सबसे बड़ा बना दिया। रूडोल्फ द रेंडियर कहते हैं। ये कैसा लग रहा है भैया? हमारा कार्ट रेडी है, देखिए। देखिए दोस्तों हमारा कार्ट कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। हाँ। हमने सैंड के शूज भी बनाए हैं, हमने बैग्स भी बनाई है और हमने ये भी बनाया स्नोफ्ले, हमने कार्ड भी बनाया है, हमने फ्लावर्स भी बनाए, कितनी सारी चीजें बनाई है। कितना चमक रहा है देखिए सांता हाउस। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए प्लीज और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब आपको अलविदा कह देते हैं। So, thank you for watching. Goodbye. Santa Claus, goodbye. Bye.